दोस्तों मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मौली यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे मेरे पास जैसे कि अभी एक फ़ोन है नोकिया का TA-1053 यानी नोकिया 5, और इस फ़ोन के अंदर जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो ऑटो रीस्टार्ट हो रहा है, यानी फ़ोन को जब हम ऑन करते हैं तो फ़ोन जो है खुद ऑन होता है, उसके बाद फिर से ऑफ ऑन होता रहता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि आखिर कहाँ से ये प्रॉब्लम होता है। दोस्तों मेरे बहुत ऐसे भाई हैं जो कि करते हैं क्या, यहाँ पे फ़ोन को हार्ड रीसेट कर लेते हैं, फ्लैशिंग करके ट्राई करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। खास करके ऑटो रीस्टार्ट प्रॉब्लम में फर्स्ट बैटरी से और सेकंड जो होता है दोस्तों वो EMMC से ये प्रॉब्लम आता है। तो चलिए आज का इस वीडियो में दिखाते हैं आपको कहाँ से प्रॉब्लम है। यहाँ पर फ़ोन जो है मेरे पास पहले से ओपन होकर के रखा हुआ है, चलिए हम दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर जो है देख लीजिए, तो यहाँ पे जो है ना देखिए प्रॉब्लम हम पहले ही ट्रेस कर चुके हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम था, और यहाँ पे हम पहले ही समझ चुके हैं प्रॉब्लम को, बट सिर्फ आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। और यदि मान लीजिए आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम कभी आता है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, यहाँ से भी प्रॉब्लम होता है ऑटो रीस्टार्ट प्रॉब्लम खास करके। और यहाँ पर इस तरह का वीडियो तो हम इससे पहले भी बहुत दिन पहले ही बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि मॉडल इस मॉडल पे हम नहीं बनाए हुए थे, और बहुत मेरे भाई हैं जो कि सिर्फ जो मॉडल रहता है उसी पे सर्च करता है और उनको प्रॉब्लम दिखे तो वो ज़्यादातर दिमाग भी नहीं अप्लाई, बहुत मेरे ऐसे भाई हैं जो कि करते हैं। चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले दिखाते हैं आपको फ़ोन को कंप्लीट ऑन करके। यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे जंपर कर लिया, यहाँ पे एक तरह का एक फ्यूज होता है जिसे मैं दिखाने का कोशिश कर, ब्लैक कलर का कहीं गिर चुका है क्योंकि हम पहले ही इसको निकाल चुके थे। ठीक है, ये जो है पहले हम निकाल कर ट्राई कर लिए थे, उसके बाद आप लोगों के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से आपको जंपर कर लेना है। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या आखिर ऑन होता है या नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे हम इंतजार कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोन जो मेरा कंप्लीट आगे बढ़ चुका है। और यहाँ पे देखिए फोन मेरा कंप्लीट हो चुका है ऑन। और यहाँ पे किया है क्या पता है, कस्टमर जो है खुद पहले ही ट्राई कर चुका था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन पहले हार्ड रीसेट किया हुआ है, तो कस्टमर खुद से ये ट्राई किया था। अभी जो है अभी के दौर में तो देखते हैं अक्सर कस्टमर खुद से पहले ट्राई कर लेते हैं इस सब चीज़ों को। तो यहाँ पे चलिए अभी फ़िलहाल तो इसमें गूगल अकाउंट का लॉक लगा हुआ है, आगे बढ़ेगा नहीं। चलिए वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाएगा।